सुधा कुमार मिश्रा यूनिवर्सिटी लेक्चरर पनीरा इंटर कॉलेज पनीरा बाजार मतलब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर, यानी हाई स्कूल का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान में अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो फर्स्ट चैप्टर चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नोट कर लेंगे आप। जहां आपका सुविधा होगी बेटा उसको डिटेल बताया जाएगा, वर्णन किया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इक्वेशन ये आपके हो गए, यानी जो आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताया जाएगा वह पढ़ाया जाएगा कि रासायनिक प्रक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या इसका परिभाषा क्या आप लिख सकते हो बता सकते हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बताएंगे कि रासायनिक प्रक्रिया क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। अर्थात वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर हो करके, ध्यान है प्यारे बच्चों, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया हो करके अर्थात पुनः व्यवस्थित हो करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं उनके भौतिक व रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी बच्चों केमिकल रिएक्शन, यू आर अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे यानी बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका परिभाषा आपको बताया गया, लेकिन बेटा अब इसके एग्जांपल्स क्या देंगे आप, इसकी परिभाषा तो आपने दे दिया, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो हियर एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल्स, जैसे मैग्नीशियम ले लो आप, यानी एग्जांपल्स में जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, हियर बोथ रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया आपका। लेकिन प्यारे बच्चों ये सबसे डिपेंड्स करता है केमिस्ट्री में, कि जैसे आप बेसिक कक्षाओं में जब छोटे होते हैं आप तो पढ़ते होंगे का खा का घा कहा पढ़ते होंगे, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में आपके सिंबल होते हैं। यदि आपको सिंबल, क्योंकि प्रेजेंट टाइम्स में आपके 118 एलिमेंट्स जो 118 तत्व हैं, ये इनके बारे में आपको लर्न करना होगा कि उनके सिंबल क्या हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनके एटॉमिक वेट क्या है, इन सारे बिंदुओं के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, तभी प्यारे बच्चों आप रिएक्शन कर पाएंगे, आउटपुट की बैलेंस शीट का अध्ययन कर पाएंगे। एग्जांपल बताया जा रहा है आपको केमिकल रिएक्शन के द्वारा।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। फिर भी प्यारे बच्चों ये देखिए, इस तरह से तमाम आप एग्जाम पर सुन सकते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ दिखाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और अगर देखना है एग्जाम पर तो आप क्रिया था तो एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। जी क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। लेकिन ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट ये समीकरण बैलेंस नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि आपको देखिए यहां मैग्नीशियम दिया सिंपल वन इक्वेशन है कि नहीं है, एक एक ऑक्सीजन दो यहां एक है, आप बैलेंस कर देंगे बेटा कि 2MgO और इधर कर देंगे 2M और समीकरण आपके इक्वल हो गए, बराबर हो गए। लेकिन अब इसके पर इसके बाद सोचता है कि केमिकल रिएक्शन तो हो गया, अब रासायनिक जो केमिकल इक्वेशन है वह क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग नोट कर लें कि रासायनिक यानी किसी रासायनिक प्रक्रिया, कोई रासायनिक प्रक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो जो उसमें पार्टिसिपेट भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना, ध्यान रहे प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बात पुनः आपको हम रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल्स में आप देने आप यहां एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे देखने आप इतना देखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आप केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हो ये रासायनिक समीकरण पढ़ इसके बारे में क्या होता है केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया ही आपकी क्या होती है, रासायनिक समीकरण होती है। जैसे आप ले लो मेथेन ले लो, मेथेन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा आपका जल बन जाएगा। तो एग्जांपल्स यहां देखने आप ले लें आप मेथेन CH4, इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं मार्स गैस, इसका नाम देखें जो देहात में बाजारू नाम जो होता है उसे हम कहते हैं मार्स गैस, और वैसे अगर देखेंगे आप तो हो जाएगा मेथेन गैस। ये क्रिया करता है इसके साथ प्लस ऑक्सीजन गैस और क्रिया इंपेलेंस ऑफ हीट, तो क्या बनता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बन जाते हैं एक गैस के रूप होते हैं। क्योंकि बिहारी बच्चों बेसिक कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं सारी लिक्विड गैस होते हैं, ठोस द्रव गैस होती हैं, और आगे बताया भी जाएगा आप लोगों को कि ठोस कब होगा गैस कब होगा और लिक्विड कब होगा, तो ये आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मीथेन गैस रिएक्ट्स ऑक्सीजन गैस नाउ गेट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन एग्जांपल्स। अब प्रश्न उठता है कि समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण को बैलेंस करते हैं तो हियर 2H2O बैलेंस, ऑक्सीजन देखें दो और दो यहां चार तो यहां टू, ये भी गैस है, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट्स है, ये क्या है उत्पाद है, अर्थात ये क्या बने हैं ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है ये आपके समूह रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट। तो ये तो आपके हो गए केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया। अब प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि लिमिटेशन क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं निम्न होती है। फर्स्ट बिंदु क्या है कि इसके तहत अभिकारकों और उत्पादों की जो होती है भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है इसके तहत। फिर दूसरा पॉइंट क्या है
कि अक्रिया में संपन्न होने के लिए ताप दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं प्राप्त होती है हमें। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या देंगे कि अक्रिया में वेग और अधिकारकों की साधन का ज्ञान नहीं होता है, कोई अक्रिया हो उनके वेग और साधन का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। तो क्या हो जाता है आपका ये इसके तहत जिसकी लिमिटेशन है। फिर प्रश्न उठता है कि ये अक्रियाएं जो होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहां कि काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग प्यारे बच्चों रासायनिक और क्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? अब प्यारे बच्चों पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे अब कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, नाइन्थ में बताया गया होगा, एट्थ में बताया गया होगा, सेवन्थ में बताया गया होगा, वही हम पुनः आपको लाते हैं बताते हैं क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, जिनमें से फर्स्ट अभिक्रिया आप पढ़े होंगे एक्शन रिएक्शन, योगशील अभिक्रिया, और इसके दूसरे भाषा में कह सकते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट पे कि एक्शन रिएक्शन क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कहेंगे इसमें कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे आप, कंबाइन होना शब्द से जाहिर है, कंबाइन मतलब क्या होता है जुड़ना, ऐड का मतलब क्या होता है जुड़ना, है ना। तो शब्द से ही जाहिर है कि संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अर्थात क्या होगा कि वह रासायनिक प्रक्रिया पहले बच्चों नोट करेंगे कहीं, वह रासायनिक प्रक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयुग्मन हो, आपस में मिले उन्हें हम क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स इसके क्या होंगे, इसका एग्जांपल्स प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे कि जैसे अमोनिया का गैस NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन, यानी NH3 प्लस HCl रिएक्ट क्या बनाएगा फिर होकर के नौ साधन, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है। अर्थात क्या हुआ, योग हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, अमोनियम क्लोराइड बना। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल्स देखने नोट कर लें आप, CO गैस प्लस Cl2 गैस अभिक्रिया क्या बन जाएगा, CoCl2 गैस, ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे फॉस्जीन गैस यूनो। तो ये टॉक्सिक है, विषैली गैस होते हैं फॉस्जीन गैस प्यारे बच्चों। ये हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताएं और ये एग्जांपल्स बताएं इसके बाद हम पुनः पढ़ा लेंगे आपको। ठीक है कितना इसको तैयार करें आप पढ़ें। ठीक ओके हमने बिजनेस कोई चलो 10 सेकंड और चलो। इस तरह से तमाम आप एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैग्नीशियम की क्रिया
ऑक्सीजन के साथ लिखा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और अगर देखना हो एग्जांपल्स तो आप क्लियर था तो एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस तो क्या बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये प्रतिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। लेकिन ध्यान रहे लेफ्ट टू राइट ये समीकरण बैलेंस नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि आपको देखिए यहां मैग्नीशियम दिया सिंपल वन इक्वेशन है कितनी है एक एक ऑक्सीजन दो यहाँ एक है आप बैलेंस कर देंगे बेटा कि टू एम जीरो और इधर कर देंगे टू एम और समीकरण आपके इक्वल हो गए बराबर हो गए। लेकिन अब इसके पर इसके बाद प्रश्न उठता है कि केमिकल रिएक्शन तो हो गया अब रासायनिक जो केमिकल इक्वेशन है वह क्या होते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग नोट कर लें कि रासायनिक यानी किसी रासायनिक प्रक्रिया कोई रासायनिक प्रक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो जो उसमें पार्टिसिपेट हो भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ध्यान रहे प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः आपको हम रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे दो एग्जाम्पल्स में आप दे दें आप यहाँ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे देखने आप इतना देखते हैं अब केमिकल इक्वेशन क्योंकि आप केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हुए ये रासायनिक समीकरण पढ़े इसके बाद कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया ही आपकी क्या होती है रासायनिक समीकरण होती है। जैसे आप ले लो मेथेन ले लो मेथेन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा आपका जल बन जाएगा। तो एग्जांपल्स यहां देखने आप ले लिया मेथेन CH4 इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं मार्स गैस इसका नाम देखें जो देहात में बाजारू नाम जो होता है उसे हम कहते हैं मार्स गैस और वैसे अगर देखेंगे यार तो हो जाएगा मेथेन गैस ये क्रिया करता है इसके साथ प्लस ऑक्सीजन गैस और क्रिया इंपलेंस ऑफ हीट तो क्या बनता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बन जाते हैं ए गैस पर होते क्योंकि बिहारी बच्चों बेसिक कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं सारी लिक्विड गैस होती है ठोस द्रव गैस होती हैं और आगे बताया भी जाएगा आप लोगों को कि ठोस कब होगा गैस कब होगा और लिक्विड कब होगा तो रियल आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मीथेन गैस रिएक्ट ऑक्सीजन गैस नाउ गेट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड दो और दो यहां चार तो यहां टू ये भी गैस है ये दोनों क्या है रिएक्टेंट्स हैं ये क्या है उत्पाद है अर्थात ये क्या बने हैं ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है और ये क्या है ये आपके समझो रिएक्टेंट तो एक आपके हो गए केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया। अब प्यारे बच्चों हम बताएंगे कि लिमिटेशन क्या है रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है रासायनिक समीकरण की सीमाएं निम्न होती हैं। फर्स्ट बिंदु क्या है कि इसके तहत अभिकारकों और उत्पादों की जो होती है भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है इसके तहत। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए ताप दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं प्राप्त होती है हमें। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या देंगे
कि अभिक्रिया में वेग और अभिकारकों की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है, कोई अभिक्रिया हो उनके वेग और सांद्रता का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। तो क्या होता है आपका ये इसके तहत जिसकी लिमिटेशन है। फिर प्रश्न उठता है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट है डालेंगे यहां कि काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसे हम कहते हैं काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं। अब प्यारे बच्चों पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे अब कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, नाइन्थ में बताया गया होगा, एट्थ में बताया गया होगा, सेवेंथ में बताया गया होगा, वही हम पुनः आपको लाते हैं बताते हैं क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, जिनमें से फर्स्ट अभिक्रिया आप पढ़े होंगे एक्शन रिएक्शन योगशील अभिक्रिया, और इसके दूसरे भाषा में कह सकते हो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट पे कि एक्शन रिएक्शन क्या है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कहेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे आप, कंबाइन होना शब्द से जाहिर है, कंबाइन मतलब क्या होता है जुड़ना, ऐड का मतलब क्या होता है जुड़ना है ना, तो शब्द से ही जाहिर है कि संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अर्थात क्या होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया पहले बच्चों नोट करेंगे कहीं, वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का संयुग्मन हो आपस में मिले उन्हें हम क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स इसके क्या होंगे, इसका एग्जांपल्स प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे कि जैसे अमोनिया का गैस NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन यानी NH3 प्लस HCl रिएक्ट क्या बनाएगा कुछ होकर के नौसागर जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड ये बनता है। अर्थात क्या हुआ योग हुआ एकल उत्पाद का निर्माण हुआ अमोनियम क्लोराइड बना ठीक। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल्स देखने नोट कर लें आप CO गैस प्लस Cl2 गैस अभिक्रिया क्या बन जाएगा COCl2 गैस ये क्या हो जाएगा इसे हम क्या कहेंगे फॉस्जीन गैस यू नो तो ये टॉक्सिक है विषैली गैस होते हैं फॉस्जीन गैस। प्यारे बच्चों ये हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताएं और ये एग्जांपल्स बताएं इसके बाद हम पुनः पढ़ा लेंगे आपको ठीक है कितना इसको तैयार करें आप पढ़ें ठीक ओके हमने 20 मिनट कोई 10 सेकंड और चलना।